नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। बिहार की बात में आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक तंज की। नीतीश कुमार ने पटना में आज एक कार्यक्रम में केंद्र के एक मंत्रालय पर तंज किया है। तंज काफी हद तक सही भी लगता है। आज नीतीश कुमार पटना में एक कार्यक्रम में संबोधन कर रहे थे। असिस्टेंट इंजीनियर्स के अपलिफ्टिंग को लेकर ये संबोधन था और उसमें आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बड़ा तंज कर दिया है नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्रालय, केंद्रीय भूतल मंत्रालय और उनके मंत्री नितिन गडकरी पर। नितिन गडकरी का बिहार के प्रति जो रवैया है, इस रवैया को लेकर के हम और आप जो हैं काफ़ी पहले से वाकिफ हैं। नितिन गडकरी ने हाल फिलहाल के दिनों में कई बार इस बात को कह दिया है कि बिहार के में वो काम करते करते परेशान हो गए हैं, बिहार में काम करते करते वो थक चुके हैं। जुलाई 2018 की बात है। जुलाई 2018 में लोकसभा में अपने वक्तव्य को देते हुए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह दिया था कि वो बिहार में काम करते करते परेशान हो गए हैं, क्योंकि बिहार में जो है जमीन अधिग्रहण कर पाना मुश्किल हो रहा है। 90% प्रोजेक्ट्स जो हैं वो केवल और केवल इसलिए लटके पड़े हुए हैं क्योंकि बिहार के जो मंत्री हैं, बिहार के जो अफसर हैं, वो केंद्रीय परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं करा पा रहे हैं और शायद यही कारण है कि केंद्र सरकार का काम बिहार में नहीं दिख रहा है। मगर इसी बात को पलटते हुए जब हमने मीडिया ने बात करी थी उस वक्त नंदकिशोर यादव से, तो नंदकिशोर यादव ने एक बड़ी बात कही थी कि बिहार सरकार पूरा प्रयास करा रही है, पूरा प्रयास कर रही है जमीन अधिग्रहण करने की, मगर बिहारियों को अपने जमीन से ज़्यादा प्रेम होता है, अपने चीज़ों से ज़्यादा प्रेम होता है और यही कारण है कि बिहार के लोगों को मना पाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन आज जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो मौका तो इंजीनियर्स को संबोधन करने का था, उनकी अपलिफ्टिंग और उनके अच्छे भविष्य को लेकर बात करने का था। नीतीश ने एक बात बहुत क्लियर कट कह दिया और वो क्लियर कट ये बात कहा कि जो राज्य भर में नेशनल हाईवे हैं, जो राष्ट्रीय मार्ग हैं, उनकी रिपेयरिंग को लेकर करके बिहार सरकार अपनी झोली से, अपनी जेब से 970 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। 970 करोड़ बिहार सरकार ने, यानी कि नीतीश की सरकार ने केंद्र के परियोजनाओं पर, केंद्र के नेशनल हाईवेज पर हाल फिलहाल में कर चुकी है और ये पैसे जो है अब तक केंद्र सरकार, यानी कि जो नितिन गडकरी का मंत्रालय है, वो उनको नहीं दे रहा है, उन्हें रीएम्बर्स नहीं कर पा रहा है। तो ये एक बड़ी बात जो है, एक बड़ा तंज आज नीतीश कुमार ने किया है। और हाल फिलहाल के दिनों में अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार का रोष है नितिन गडकरी के प्रति, वो कई बार उभर कर सामने भी आ चुका है। एक बात और सीएम नीतीश कुमार ने आज बोली कि केंद्र में मंत्री तो उनकी बात सुन लेते हैं, मगर केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं, खास करके जो बड़े अधिकारी हैं, वो बिहार सरकार की बात को सुनने में आनाकानी करते हैं। अगर किसी राज्य का मुखिया, किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर अगर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा है कि केंद्र के अधिकारी राज्य की बातों को, राज्य के सीएम की बातों को नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही बड़ी बात है। मामला जो है वो पटना से बेहटा तक एक एलिवेटेड रोड का था। सीएम नीतीश कुमार चाहते थे कि पटना से बेहटा सीधा एक बड़ा एलिवेटेड रोड बनाया जाए, मगर उनके इस सपने को, उनके इस परियोजना को केंद्र सरकार के अधिकारियों ने मना कर दिया। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार आज आहत नजर आए। उन्होंने कई बार इस बात को कहा कि जो 970 करोड़ हमने खर्च कर दिए हैं, मगर ये जो राशि है केंद्र सरकार हमें वापस नहीं कर रही है, जबकि ये राशि उन्होंने नेशनल हाईवेज को ठीक ठाक करने में, उनको रिपेयर करने में लगाया है और केंद्र सरकार, यानी कि नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है, इन पैसों को रीइंबर्स करने के लिए, राज्य सरकार को वापस करने में आनाकानी कर रहा है। एक और बड़ी बात सीएम नीतीश कुमार ने आज अपनी भाषण में कही, वो ये था कि वो एक तुलना कर रहे थे जो राज्य भर में नेशनल हाईवेज हैं, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, और राज्य के अपने स्टेट हाईवेज, यानी कि जो राजकीय, जो राज्य के अपने मार्ग होते हैं, उनमें। सीएम नीतीश कुमार पहले भी इस बात को बोल चुके हैं, आज फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया कि अगर आप राज्य भर में घूम लेंगे तो आप पाएंगे कि जो केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवेज को बनाया है, उनसे कहीं बेहतर हमारे स्टेट के हाईवेज हैं, यानी कि राज्य के जो मार्ग हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग से ज़्यादा बेहतर स्थिति में बिहार में हैं। नितिन गडकरी
का जो बिहार के प्रति रवैया है, ये रवैया हमने पहले भी कई बार देखा हुआ है। नितिन गडकरी, अगर आपको ध्यान हो इस बात को, तो ये वो मंत्री हैं जिन्होंने कि बहुत ही कैंडिडली, बहुत ही साफ तरीके से बिहार के सीएम नीतीश कुमार की इस डिमांड को खारिज कर दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये मांग सीएम नीतीश कुमार की पिछले कई वर्षों से रही है। जब एनडीए के साथ काम नहीं करते थे तब भी उनकी ये मांग थी, और अब एनडीए के साथ यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार के साथ कर रहे हैं तब भी उनकी ये मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हाल में पटना में 15वीं वित्त आयोग की बैठक भी चल रही थी, उनके अध्यक्ष जो हैं 15वीं वित्त आयोग के एनके सिंह, उनके साथ भी नीतीश कुमार ने अपनी इस मांग को फिर से दोहराया है कि बिहार तब तक पूरी तरीके से विकसित नहीं हो सकता जब तक कि केंद्र सरकार जो है उसे स्पेशल स्टेटस यानी कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाती। मगर नितिन गडकरी ने साफ को इसे बड़े ही साफ तौर पे इस बात को काफी पहले मना कर दिया था, और अब भी जो है इस उनका यही स्टैंड है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बहरहाल बातें जो भी हो, लेकिन इस कशमकश में कहीं ना कहीं बिहार का जो विकास है वो अटका पड़ा हुआ है। नेशनल हाईवेज जो है, नए प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बन पा रहे हैं। हमने जब अध्ययन करना शुरू किया तो हमने पाया कि पटना से बक्सर का जो नेशनल हाईवे है, पटना से धोबी का जो नेशनल हाईवे है, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनना है, हाजीपुर से छपरा का जो सबकी सड़क है जो उसको बनना है, ये सारे बड़े प्रोजेक्ट जो हैं ये अटके पड़े हुए हैं। नितिन गडकरी भले ही बार बार ये बात कह रहे हो कि बिहार सरकार जो है इसमें सुस्त रवैया दिखा रही है, मगर नंद किशोर यादव ने एक बड़ी बात तब भी कही थी और अब भी अपने वो स्टैंड पर हैं कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2014 का था, इसमें कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिसको लेकर के दिक्कत आ रही है, जिसको लेकर के लैंड एक्वायर करने में बिहार में दिक्कत आ रही है। हालांकि उस लैंड एक्विजिशन एक्ट 2014 में अब संशोधन कर लिए गए हैं, और नंद किशोर यादव जो कि राज्य में पथ निर्माण के मंत्री हैं, बिहार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि जो सारे मुश्किलें हैं, सारे संकट हैं, उनको दूर करके केंद्र सरकार के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल हाईवे को लेकर करके वो जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। एक ईगो वाली बात तो कहीं ना कहीं जरूर नजर आती है, क्योंकि अगर आप दोनों मंत्रियों के बीच में, ठीक है, एक कहीं ना कहीं ईगो क्लैश तो जरूर है, क्योंकि आपको अगर ध्यान हो तो जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी और उस समय तेजस्वी यादव बिहार में पथ निर्माण मंत्री थे, तो उनके साथ नितिन गडकरी ने एक बार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। तेजस्वी भी थे और लालू प्रसाद यादव भी थे। मीडिया में भी ये बात काफ़ी जोर शोर से उठी कि आप केंद्र के रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, आप स्टेट के मिनिस्टर से बड़े आराम से मिल सकते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन आप साथ ही साथ तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं, नितिन गडकरी वो मुलाकात कर रहे थे, इस पर लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई थी। और अंदर की बात यह है कि इसमें इस लालू प्रसाद यादव से मिलने को लेकर नीतीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे थे, और इसी का एक रिएक्शन बोलें या फिर उसके बाद प्रतिक्रिया बोलें, नीतीश कुमार ने एक बार सार्वजनिक तौर पर दे दी थी। वाक्या जो है पर्यावरण दिवस को लेकर के एक समारोह का है, पर्यावरण दिवस के का एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के मंत्री हैं, उनको संबोधित करते हुए नीतीश कुमार गंगा की सफाई को लेकर के बोल रहे थे, और डॉक्टर हर्षवर्धन को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया था कि हर्षवर्धन साहब, आप गडकरी जी को ये बोल देंगे कि गंगा की निर्मलता और अविरलता एक दूसरे की पूरक है, जब तक निर्मलता के साथ साथ अविरलता नहीं आएगी, एक दूसरे की जो गंगा स्वच्छ गंगा की बात कर रही है केंद्र सरकार, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम बिहार की बात में आपको बताते चलें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले लंबे समय से गंगा के सिल्ट की जो प्रॉब्लम है, उस सिल्ट की समस्या को लेकर के बार बार अपनी आवाज को उठाते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का जो काम करने का तरीका है वो गंगा की निर्मलता पे ज्यादा स्ट्रेस रखता है। उसी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने डॉक्टर हर्षवर्धन को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी पर यह तंज कसा था कि निर्मलता के साथ साथ अविरलता की भी जरूरत है, यानी कि पूरे गंगा में जो शुरुआत से लेकर आखिर तक का क्षेत्र है, सिल्ट की समस्या बिहार में खासकर यह समस्या है जिसकी वजह से गंगा आगे नहीं बढ़ पाती है, यह समस्या पूरे देश भर में है, और गंगा की निर्मलता के लिए उसकी अविरलता पर भी ध्यान देने की केंद्र सरकार को जरूरत है।
तो कुल मिलाकर करके इतना तो ज़रूर है कि बिहार में नेशनल हाईवेज जो हैं फिलहाल उतने अच्छे कंडीशन में नहीं है, उतने अच्छे तौर तरीके में नहीं है जितना कि अन्य राज्यों में देखते हैं। लोकसभा में भले ही ऑन रिकॉर्ड जो नितिन गडकरी हैं कई बार बोल चुके हों, पहले बोलते भी रहे हैं, लेकिन एक बीच का रास्ता कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य की सरकार को इस मामले में निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बहसबाजी हो रही है, जो भी बयानबाजी हो रही है, जो भी तंज कसे जा रहे हैं, भले ही नीतीश कुमार नितिन गडकरी पे कुछ आरोप लगाएं और नितिन गडकरी पलट करके बिहार की सरकार पे कुछ आरोप लगाएं, इसमें लेकिन जो है बिहार की जनता का विकास कहीं ना कहीं ठप होता जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में नितिन गडकरी के मंत्रालय और बिहार की सरकार के बीच में जो भी डेडलॉक बना हुआ है ये डेडलॉक दूर हो और बिहार के पथों का खूब निर्माण हो, बिहार राज्य का विकास हो और आने वाले समय में ये डेडलॉक जो है ये कहीं ना कहीं कम हो। बिहार की बात में मेरे यानी अभिषेक चंद्रा के साथ आज इतना ही। नमस्कार।